राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दुमका में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नवरात्रि समारोह में शिरकत की। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने दुमका के गांधी मैदान में 9 दिनों तक लगने वाले चैतन्य देवियों की झांकियों का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं चैतन्य देवियों की झांकियों के अवलोकन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू काफी अभिभूत हो गए, जिसके बाद उन्होंने दुर्गा पूजा के अवसर पर मनाए जाने वाले नवरात्र की विशेष व्याख्या करते हुए इसे दुर्गणों का नाश करने का अवतार बताया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज हमारा समाज अशांति से भर गया है, क्योंकि लोग सिर्फ सारणिक सुख को महत्व देने लगे हैं। यह सब मैं क्या देख रहा हूं, सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माउंट आबू से आए हुए सुमन बहन को और भाइयों को कि यहाँ बहुत अच्छा झांकी लगाए हैं बच्चे, यहाँ के बहने सर झांकी लगाए हैं और यहाँ प्रदर्शनी भी और कुंभकर्ण माउंट आबू से लाए हैं। ये कुंभकर्ण के बारे में वो यहाँ लोगों को समझा रहा है। ये हम नवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि का क्या महत्व है, इसका माने क्या है? सही महीने में ब्रह्मा कुमारी जो समझते हैं, नवरात्रि ही क्यों, नव दिन क्यों नहीं? आज कुंभकर्ण ये अज्ञान निद्रा में सोए हैं, रात्रि इसीलिए मनाया जा रहा है कि रात्रि अज्ञानता सिंबल है, अज्ञानता का सिंबल। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज दुमका में अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा दुमका के गांधी मैदान में लगाई गई चैतन्य देवियों की झांकियों का अवलोकन किया। झांकी में माँ दुर्गा और कुंभकर्ण की झांकी को देखने के बाद ये भावुक हो गई और इन्होंने नवरात्रि का महत्व समझाते हुए लोगों से कहा कि यह अज्ञान अंधकार मोह माया से निपटने के लिए ही यह पर्व मनाया जाता है। रात्रि जो सभी संगतियों का द्योतक है, उसको दूर करने के लिए मनुष्य को हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।